नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत दिनों से एक बात नोटिस की होगी कि लॉकडाउन के बाद आशीष चंचलानी की कोई वीडियो नहीं आ पा रही है। लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने बस एक ही वीडियो डाली थी, नहीं तो बेसिकली वे अपने YouTube चैनल पर मंथली एक दो वीडियो अपलोड कर देते हैं। इसी के चलते आशीष चंचलानी ने YouTube पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने वीडियो के बारे में जानकारी दी है और वैलिड रीज़न बताया है। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि आशीष चंचलानी अपनी आने वाली वीडियो के बारे में क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई नो बहुत टाइम हो गया है, मैंने YouTube पे वीडियो नहीं डाली है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। मैं सोचा आप लोगों से बात करूं इसके बारे में। मेरे को आपको बहाने नहीं देने, झूठ नहीं बोलना है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये लॉकडाउन का माहौल प्लस इंटरनेट का माहौल इतना डिस्टर्बिंग हो गया है कि मेरी ना थोड़ी वायरें हिल गई है, मेरा दिमाग नहीं चल। मैं प्लान किया था हमने कि हम कुछ शूट करेंगे मेजर्स के साथ, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन इधर थोड़ा मामला सीरियस हो गया, जस्ट लाइक इन द एंटायर कंट्री कोरोना को लेके, एंड बाहर जाके शूट करना है इसमें भी है। आई थिंक जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक घर पे ही रहना है, ऑफ कोर्स ड एंड घर पे ही बैठ के कुछ करना पड़ेगा मुझे। अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है गाइस, मैं क्या करूँ घर पे बैठ के? 2 वीडियो बनाए मैंने मोबाइल से घर पे बैठ के। तो दोस्तों, आपने देखा कि आशीष चंचलानी कितने फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं अपनी वीडियो को लेकर, और उन्होंने लोगों से सजेशन मांगा है कि उन्हें कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आशीष चंचलानी को कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहा रेड वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले।